नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो आज इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का 44th मुकाबला खेला जा रहा था और यह मुकाबला इंडिया के लिए काफ़ी जरूरी भी था, क्योंकि इंडिया को अगर टेबल में नंबर 1 पर आना है तो इसके लिए इंडिया को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपने 5 शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं राहुल ने भी अपना शतक लगाया। तो इसी मैच में जब श्रीलंका की बैटिंग चल रही थी उस दौरान मैदान के ऊपर से पाकिस्तान के कुछ प्लेन्स उड़े और उन प्लेन्स ने बैनर लटका रखे थे जिन पर लटका था जस्टिस फॉर कश्मीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेन्स केवल एक बार ही नहीं उड़े बल्कि इन्होंने कुल 9 बार मैदान के ऊपर से चक्कर काटे। तो ये काफ़ी शर्मनाक हरकत है और इस पर BCCI ने ICC से पाकिस्तान टीम को पूरी तरीके से बैन लगाने को कहा है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में MS धोनी ने अपने ग्लव्स पर बेज लगाया था तब पाकिस्तान बोर्ड ने भी ICC से इसकी शिकायत की थी और इस पर धोनी ने अपना बेज भी हटाया था। यही नहीं, पाकिस्तान ऐसी हरकतें कई बार कर चुका है। इससे पहले 2009 में श्रीलंका के साथ खेले गए मैच के बाद भी श्रीलंका के प्लेयर्स पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और उसके बाद कोई सी भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान का दौरा करने को कभी हाँ नहीं कहती। हालांकि प्लेन्स के उड़ाने पर टीम का कोई रोल नहीं था, लेकिन प्लेन्स तो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से ही आए हैं और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लेना देना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान टीम पर आजीवन बैन जरूर लगना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि क्या पाक टीम पर बैन लगना चाहिए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये न्यूज़ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, वहाँ क्रिकेट का ब्लॉग है, आप वहाँ जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.